तौले तो यहाँ सब एक दे के गरीब घर में तो हिसाब रखे हमन के मनियारी को भाई का हम अति हम छ भाई उन्ने दू भाई सब मांग चांग के कति मेहनत करके कुछ नरेश राम के एगो कुछ नहीं निकला ना उसका अचानक घर लग गया ऐसे अगर मान लिए कि हम लोग जितना स्पीड में जल्दीबाजी में आए हैं उतना जल्दीबाजी में वो लोग नहीं आए 10 घंटा फोन किया है इधर उधर तब आने के कष्ट किया है जेवर था जितना वो सब अनाज था बहन एक छोटा सा था उसको शादी करने के लिए पैसा वैसा थोड़ा बहुत था अनाज पानी था वो पूरा जला गया जल गया और दबाएं बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। कांटी प्रखंड के गोदाई फुलकाहा में है जहाँ पे ये महादलित बस्ती है और यहाँ का तस्वीरें दिखाएंगे। एक से डेढ़ घंटा पहले यहाँ पर जो है भीषण आग लगी हुई है जिसमें 7 घर पूरी तरह से जलकर राख हो गया है और तस्वीरें जो है अभी आपको दिखाएंगे, देख सकते हैं जितने भी जो खाने पीने की सामग्री है पूरी तरह से जलकर नष्ट हो चुका है। और यहाँ पर दिखाएंगे तस्वीरें, देख सकते हैं मोबाइल हो, खाना बनाने के सामग्री हो और कापी किताब जो हो, सभी पढ़ने वाला सभी चीज़ ख़त्म हो चुका है। और यहाँ पर देख सकते हैं जो फायर ब्रिगेड की भी टीम और कई थाने के पुलिस भी यहाँ पर पहुँची हुई थी। और यहाँ का तस्वीरें जो है अभी आपको दिखाना चाहेंगे, देख सकते हैं जो अनाज होता है जिससे खाना खाते हैं बनाकर वे पूरी तरह से जलकर पूरी तरह से राख हो चुका है। तस्वीरें जो है अभी आपको दिखा रहे हैं, देख सकते हैं चारों तरफ के जो घर हैं यहीं पर रहते थे वे पूरी तरह से जलकर ख़त्म हो चुका है। और यहाँ पर कुछ लोग हैं इनसे भी जाने हैं यहीं पर नहीं, यहाँ पर नहीं पता चला। हाँ आपका घर जी कैसे आग लगा? ये करंट से लगा है। कै बजे लगा है? हेलो कै बजे लग लगे राय के बाद में कै बजे से टाइम ना देखी 12 बजे हम खाना खा के गेली है दूरा पर तैसन के बैठल रही 12:03 पर खाना ना खा के घर में से निकल ली है दूरा पर बैठल रही बउआ के लेके बउआ सूत रख लिया घर में सुतावे तैसन के धन के लग लख तो हम कुछ न निकाले पैली है हम बउआ के लेके खाली निकल के भाग के खेत में बैठ के रोइत रही है। धीरे धीरे आदमी जुट लखन भूताहूँ पैलक न कुछ सारा बर बिछना सब जर के धन के चपल निकल रही है भगवान। हाँ सब करंट से सब लाइन से जर गया है मतलब लड़का सब का सब है बर्तन उर्तन भाई बहन भाई सब दिया हुआ था बर्तन सब शादी विवाह। हाँ वही सब है देखिए सारा तुरंत रास्ता कुछ बाबू सब का नाम निकल आई बस दू गो अपनी का तुरंत का शादी सब सब मान लड़का सब का सब जर गया लड़का सब एतिगो के तो ना बिछाना कुछ ना निकल। हेलो हाँ बैठो ना निकल पहले अथी आ ले ले टीम में ले ले आ हाँ आया था कितना देर बाद में मुझे जरूर गया तब आया था तो कहते कहीं लकड़ी उकड़े में धैल लगा तब घरे से शादी भी जी सर घरे से सब मिला था। नया किन के दिए थे 15-20 दिन पहले पलंग नया किन के दिए थे और ये देखिए जल के सब राख हो गया तुरंत। कितना का अब कितना के बताए देखिए रहे घर द्वार इसमें कपड़ा लत्ता सोना चांदी सब रखे हुआ था सब खत्म हो गया बर्तन बासन सब था पायल था चांदी के नाक में के सोना के ही सब था क्या बताएं आपको हम सब जल तस्वीरें जो है अभी आपको गोदाई फूल कहाँ से दिखा रहे हैं जहाँ पे देख सकते हैं साइकिल जो है अभी ग्राउंड रिपोर्ट पर है यहाँ का दिखाएंगे साइकिल का भी स्थिति दिखाएंगे। साइकिल भी पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है साइकिल भी जर गया और खाने पीने का भी सामान जो है पूरी तरह ख़त्म हो चुका है। यहाँ पर भी तस्वीरें जो है दिखाने की कोशिश करेंगे, देख सकते हैं पूरी तरह से अभी आपको दिखा रहे हैं देख सकते हैं पूरी तरह सोना का जितने भी गहने होते हैं सब खत्म हो गए। परिजन कौन आप थे? कान में के सोना के नाक में के रल पायल ललैया लोन उठा ले रही से रलैया 15 वाला में से 30,000 में पैसा उसा भी जी तुरंत हफ्तों दिन न हुआ है पैसा लाना एम रहा है सब देने का महाजन के देने के लिए आ सब जर गया हम से नहीं रहे चल गए चौर में जरना काठिला गरीब है चल गए सब जर गया सब जर गया। कै बजे पता चला अथी नहीं था मोबाइल नहीं था
जी घर है सात गो है सात हाँ सब है के है। कुछ स्थानीय लोग हैं और एक और परिजन। अच्छा कै बजे पता चला? भैया हम काम करने गए थे, बनियारी करते काम करने गए थे, वो घास करने चली गई। आप अपने उधर से उधर उधर से बिजली के पता न बिजली से लग लगल कि का होल बिजली में जैसे अति हुआ आग बीगा अपने आप के धर लिया। आ कोई नहीं था घर में, कोई नहीं नहीं हम लोग घास भूसा पत्नी हमारे घर घास करने के चल गए। आ हम काम करे चल गए लली रहा। आ वहाँ फोन फोन कते घड़ी जमाना है फोन कर लगता हम वहाँ से अली तौले तो यहाँ सब एकदम गरीब घर में तो पूरा जर गए कुछ नहीं देखे हती कमा कोटा के सब रखे हम इनके मनियारी को भाई का हाँ हम अति हम छ भाई उन्ने दू भाई सात भाई अति हम सात भाई अति सात भाई के हम इनके सर विनाश कैसे पार खत्म पूरा खत्म हो गए बाबू साहेब कुछ ना ये सब मांग चांग के कती मेहनत करके सब कुछ हमरा हमरा तीन गो है वो सब लइकन सब ना रहे घरे पढ़े लिखे वाला देखिए तो किताब उताबी सब जोड़ के देखिए जो काफी जो है पढ़ावे लिखावे ला एक गो बचल बा एक गो सारा एकदम को कुछ कुछ नहीं कुछ नहीं एगो सुइया तक नहीं निकना ये लोग के नरेश राम के एगो कुछ नहीं निकना ना उसका अचानक घर लग गया आग लग गया है समझे कोई पता नहीं चला अचानक आग लग गया तो हम लोग उधर से दौड़े तो पानी उनी डाले हैं तब अचानक आग लगने के बाद हम लोग आए हैं। फायर ब्रिगेड की टीम फायर ब्रिगेड की टीम हाँ है हाँ, आया था वो भी बहुत लेट करके आया था बहुत लेट करके आया था। जैसे कि मान लिए कि हम लोग जितना स्पीड में जल्दीबाजी में आया है उतना जल्दीबाजी में वो लोग नहीं आया। 10 घंटा फोन किया है इधर उधर तब आने के कष्ट किया है। देख सकते हैं हालात जी सर, अभी कोई जनप्रतिनिधि जी अभी ना कुछ ना अभी ना बा कुछ अभी अभी कोई जितना जेवर था जितना वो सब अनाज था बहन एक छोटा सा था उसको शादी करने के लिए पैसा वैसा थोड़ा बहुत था अनाज पानी था वो पूरा जला गया जल गया। दिन उतार ले रही हम पूजो के दिन उतार ले रही है जब पूजा होता है शोका महाराज के पूजा करे के लिए सब काती सब पूरा न देखे न देखे देखे अति अति धान रख ले रही है कथी करेला जो खाने वाला चीज था वो भी जल गया अभी खाने के लिए उपाय नहीं है। क्या मांग करते मांग जो मेरा जैसे था वैसे कर देंगे और क्या चाहिए मेरे को घर मिलना बस घर मिलना चाहिए जो जब पैसा वैसा चाहिए और मदद चाहिए और खाने के लिए ऊपर चाहिए सब चाहिए और कुछ नहीं चाहिए मदद चाहिए घर चाहिए और जो मिलने वाला होता है सब मिलता है गरीब आदमी है बहन के शादी है पूजा रह नहीं है सब जर गए नहीं सब राजा ना सब जर गए कौन वार्ड पड़ता है 12 गोदाई फूल कहाँ के वार्ड संख्या 12 में है और यहाँ पर जो है बीते 2 घंटे पहले जो है यहाँ पर घटना घटा जिसमें 7 घर लगभग जो है यहाँ पर पूरी तरह जलकर राख हो गया है और यहाँ का स्थिति जो है काफ़ी जो है डरावना स्थिति देखने को मिल रहा है। अभी ग्राउंड रिपोर्ट पर है जहाँ भी आपको तस्वीरें जाएगा देख सकते हैं काफ़ी काफ़ी संख्या में जो है यहाँ पर लोग जो है स्थानीय लोग और फायर ब्रिगेड की टीम भी यहाँ पर पहुँचकर जो है आग पर काबू पाया गया है। नहीं तो काफ़ी जो है घर जो इसके बगल में भी फूस का मकान है वहाँ भी काफ़ी संकट हो सकता था। बच्चे के पढ़ने और खाने पीने के सभी सामग्री जो है पूरी तरह से नष्ट हो चुका है और प्रशासन से इन लोगों का मांग कर रहे हैं कि जो सरकार के द्वारा अनुदान राशि मिलता है वह इनको मिले जिससे फिर से परिवार चला सके। और जो है ऐसे ही खबर देखने के लिए चैनल पर बने रहें ताकि हर एक अपडेट आपको मिलता रहे। तब तक के लिए यादव जी धन्यवाद और दबाएं बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।